नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप देख पा रहे होंगे कि एफएसएल की टीम बड़ी मुश्किलों के बाद आप देख सकते हैं यानी ये पूरा रेलवे ट्रैक का सफर तय कर यहां पर पहुंची है, क्योंकि छह महीने का बच्चा यहां पर मिला है। 6 महीने के बच्चे का जो शव है वो कट्टे में बंद यहाँ पर मिलता है रेलवे ट्रैक के पास, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीमें अब मौके पर पहुंची है, हाथों में ग्लव्स पहने जा रहे हैं और उसके बाद जो फॉरेंसिक टीम है वो अपनी कार्रवाई करेगी। और ऐसे में जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। कट्टे में बंद नवजात बच्चे का शव है, 6 महीने का यानी कि वो बच्चा है और बच्चा बेटा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। वाकई में एक हैरान कर देने वाला मामला है। और कट्टे में बच्चे के कुछ कपड़े भी मिलते हैं, वो कपड़े भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए बच्चे के कपड़े भी मिलते हैं, कपड़े भी मिले हुए हैं। और अपने आप में इसी दिन को कहा जाता है कि कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग में ही ऐसे बड़े बड़े मामले देखने को मिल सकते हैं। देखिए बच्चे, आप देखिए बच्चे के कपड़े, आप देखिए जो कट्टे में ही मिलते हैं बच्चे के कपड़े हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे के कपड़े जो आपको इस वक्त देखने को मिल रहे होंगे ट्रैक पर, ये कपड़े भी पुलिस ने निकाले। उस कट्टे से पहले बच्चे को निकाला और उसके बाद कपड़ों को निकाला। और अब आप देख सकते हैं फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है इस ट्रैक पर। दूसरी तरफ से इस तरफ फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची है, जीआरपी पुलिस भी मौके पर है और इस बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद ही बच्चे की जो एक्चुअल एज है वो पता लग पाएगी। इसके अलावा बच्चा कौन है, बच्चा कहां से, इसके माता पिता कौन है, क्या बच्चे की हत्या में माता पिता शामिल है नहीं है, या फिर रंजिशन इस बच्चे की हत्या की गई है, और अगर हत्या की गई है तो पहले इतने छोटे बच्चे का अपहरण हो सकता है किसी ने किया और उसके बाद ही बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद उसे इस कदर फेंक दिया गया। हालांकि बच्चे के शरीर पर कुछ ऐसे निशान है नहीं है, हालांकि जो छोटा बच्चा होता है, चाहे वो बच्चा 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, बच्चा काफ़ी ज़्यादा यानी छोटा होता है और अगर उसे मौत के घाट उतारना हो तो बड़ा आसान है किसी के लिए भी। लेकिन ऐसे में आप ये समझिए कि कितना बड़ा ये मामला है, कलयुग है, कलयुग में ही कोई ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आपको गोद में भी उठाना है तो आप 10 बार सोचते हैं कि आप उसे कोमल हाथों से उठाए, कहीं उसे ज़रा सी भी तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसे में एक बच्चे की हत्या करना कितना बड़ा मामला रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं। फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, जीआरपी पुलिस मौके पर है और ऐसे में सबसे पहला जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है बच्चे को ट्रेन में से नीचे कट्टे में डालकर फेंक दिया गया हो, यानी कि पहले बच्चे की हत्या की गई हो और उसके बाद उसे एक कट्टे में बंद किया हो और कट्टे को यहां पर फेंक दिया हो। हालांकि हो सकता है अगर ट्रेन से, यानी जो मेरा पहला अनुमान है, जो पुलिस का अनुमान है, अगर वो लगाया जाए, अगर ट्रेन से किसी ने फेंका हो तो हो सकता है किसी ने ज्यादा दूर फेंकना हो, लेकिन ज्यादा दूर तक वो कट्टा ना फेंका गया हो, क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं झाड़ियां ही झाड़ियां, लेकिन वो कट्टा यहीं पर था। तो पुलिस को आज दोपहर 2:30 बजे जानकारी मिल जाती है और ऐसे में आपको अब एक ट्रेन आती हुई भी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बच्चा कट्टे में बंद किसने किया, किसने कट्टे समेत उस बच्चे को, बच्चे के शव को फेंक दिया। बड़ा ही हैरत अंगेज मामला, हैरान कर देने वाला मामला। रेलवे ट्रैक के पास बच्चे का शव, नवजात बच्चे का शव मिलता है, 6 महीने बच्चे का यानी कि जो उम्र है वो अंदाजन लगाई जा रही है। और ऐसे में आप ये समझिए उस बच्चे के दांत भी नहीं आए, दूध के अभी दांत भी नहीं आए, बच्चा कितना ज़्यादा छोटा होगा। लेकिन ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले की बड़ी जांच ज़रूर होगी ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं जो बच्चे के माता पिता हैं वो इस मामले में शामिल तो नहीं। बच्चे के माता पिता आखिर कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे इस बच्चे को कट्टे में बंद किया गया, कैसे इस बच्चे को फेंका गया। और आप समझिए कि एक ट्रेन भी फिलहाल आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस तरफ आप देखिए कि पुलिस की टीमें और फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक ट्रेन भी फिलहाल आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी और इसी रेलवे ट्रैक पर
के पास ही एक बच्चे का शव बरामद होता है, कट्टे के अंदर बंद, और कट्टे के अंदर कुछ कपड़े भी थे। बहुत बहुत ही हैरत अंगेज मामला, बहुत ही बड़ा मामला। लेकिन अब पुलिस के लिए भी ये चुनौती है पता लगाना कि आखिर ये बच्चा कहाँ का है, कौन है इसके माता पिता। और ऐसे में आप देखिए पुलिस की टीमें हैं, फोरेंसिक टीमें हैं जो मौके पर पहुंची हुई है, मौके पर पहुंची हुई है। हमारे साथ जीआरपी पुलिस भी आप देख पा रहे होंगे, और ऐसे में जांच लगातार की जा रही है। तो फॉरेंसिक टीमें आप देख सकते हैं कि मौके की जांच करते हुए, मौके का मुआयना करते हुए इस वक्त आपको देखने को मिल रही होगी, और जीआरपी पुलिस है मौके पर पहुंची है। क्या कुछ कार्रवाई आगे बनेगी? सर फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची थी, कोई बात नहीं सर, कोई नई बात भी पता लगी? नहीं अभी 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 कुछ नहीं, नहीं जी अभी कुछ नहीं। कोई चोट पीट के निशान बच्चे के ऊपर? नहीं और तो कोई निशान नहीं है, बता आपको पहले जो राइट हैंड में लगा हुआ, नहीं इस मकान के ऊपर है निशान, कान के ऊपर निशान है। तो वैसे क्या लगता है दम घुटने की वजह से बच्चे? कुछ नहीं कह सकते, डॉक्टर ही बता पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यानी कि ज्यादा जानकारी होगी। सर आपका नाम? मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं एसएचओ हूं। महावीर सिंह है, जीआरपी पुलिस एसएचओ हैं। और ऐसे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि फिलहाल बच्चे की दम घुटने की वजह से मौत हुई है, कट्टे में डालने की वजह से मौत हुई है, या फिर बच्चे के सर पर कोई वार हुआ है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले की जाँच जरूर होनी चाहिए, जरूर पता लगना चाहिए कि आखिर बच्चे के माता पिता कौन है, बच्चा कहाँ का रहने वाला था, और किसने इसके साथ ये हरकत की। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एमएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।